माई स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। हेयर इज योर ईवीएस टीचर रेशमा। हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों ईवीएस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया था, जो कि हम लोग फैमिली चैप्टर पर चल रहे थे। फर्स्ट चैप्टर नेम क्या था? फैमिली। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने फैमिली चैप्टर में हमने पढ़ा था श्रेया की स्टोरी। तो श्रेया की स्टोरी में क्या था? उनकी बुआ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कहाँ तक पढ़े थे? उनकी बुआ की तबीयत ख़राब हो जाती है। किसकी? श्रेया की बुआ की। फिर उसके बाद उनके लिए क्या किया जाता है, वो ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, कैसे उनको ठीक किया जाता है, चलिए उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हर मदर से हमें पढ़ना था। हर मदर एंड ग्रैंड मदर टूक हर बुआ टू द हॉस्पिटल एंड श्रेया स्टे बैक विथ हर ग्रैंडफादर एट होम। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों कि उनकी मम्मी, जब उनकी बुआ की, श्रेया की बुआ की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उनकी मम्मी, श्रेया की मम्मी और श्रेया की दादी उनकी बुआ को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। श्रेया जो है घर में रुकती है। किसके साथ? अपने दादाजी के साथ रुकती है। सून दे गॉट द गुड न्यूज़। जल्दी ही उन लोग को गुड न्यूज़ मिलती है। हर बुआ हैड डिलीवर्ड ए हेल्दी बेबी गर्ल। जल्दी ही उन्हें न्यूज़ मिलती है कि उनकी बुआ जो है बेबी को जन्म देती है, छोटे से बच्चे को, मतलब एक छोटी सी बेबी को जन्म देती है। वो क्या होता है? लड़की होती है। वंस श्रेयाज फादर केम होम। फिर श्रेया के पापा घर आते हैं। दे आल वेंट टू द हॉस्पिटल। तब सब लोग साथ में, श्रेया, श्रेया के दादाजी, श्रेया के पापा, सब लोग साथ में हॉस्पिटल जाते हैं। श्रेया कुड नॉट बिलीव हर आई। श्रेया की आंखें जो है विश्वास नहीं करती हैं। हर वाज हेयर वाज दिस लिटिल बेबी लुकिंग एट हर स्माइलिंग। श्रेया वाज नाउ ए बिग सिस्टर। श्रेया विश्वास नहीं करती है कि उसकी आंखों के सामने छोटा सा बेबी है जो स्माइलिंग, जो मतलब मुस्कुरा रहा है या स्माइल कर रही है। श्रेया वाज, और श्रेया विश्वास नहीं करती कि श्रेया आप बड़ी सिस्टर है, मतलब उससे भी छोटी कोई है। श्रेया को विश्वास नहीं होता है। व्हाट वुड यू डू इफ यू सा ए प्रेग्नेंट लेडी क्राई ए बिग बैग ऑफ ग्रोसरीज? टिक द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे श्रेया की बुआ की पोजीशन थी उस तरीके से, बच्चों आपने अगर कभी किसी को देखा है, तो अगर आपने देखा है तो आप इस पर ऑफर हेल्प टू कैरी द बैग फॉर हर, पुश हर एंड रन अवे, इग्नोर हर एंड वॉक अवे। देखिए उस पोजीशन में आपने कभी किसी को देखा है बच्चों और आपने उनकी हेल्प की है, अगर हेल्प की है तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आप उनको देख के और डर के भाग गए हैं तो इस पर टिक करेंगे सेकंड वाले पे। और आपने अगर उसे देखा है और इग्नोर कर दिया है तो उस पर, इस पर थर्ड वाले पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए एनिमल्स एंड देयर बेबीज। अभी तक तो श्रेया की स्टोरी चल रही थी, अब यहाँ पे एनिमल्स के बारे में आप पढ़ेंगे और उनके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक ह्यूमन बेइंग गिव्स बर्थ टू यंग वंस। जैसे कि मतलब मनुष्य में होता है, अभी जैसे आपने पढ़ा कि श्रेया की बुआ ने एक छोटे से बेबी को जन्म दिया, उसी तरीके से एनिमल में भी होता है कि वो बच्चे को जन्म देते हैं। एनिमल्स आल्सो हैव बेबीज, मतलब एनिमल का भी बेबी होता है। सम ऑफ देम गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब उनमें से कई होते हैं जो बर्थ देते हैं, मतलब तो कई प्रकार का सिस्टम होता है। सम ऑफ देम गिव बर्थ बाई लेइंग एग्स। कुछ होते हैं जो बर्थ मतलब जन्म देते हैं, कुछ होते हैं जो अंडे देते हैं, फिर उसके बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, एनिमल्स जानवर जैसे कि हॉर्स, घोड़ा, डॉग, कुत्ता, काउ, गाय, मंकी, बंदर, दैट गिव बर्थ, जो कि बर्थ जन्म देते हैं, टू यंग वंस आर कॉल्ड
मैमल्स, मतलब जो जन्म देते हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, मंकी हो गया, ये सब जो है बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहलाते हैं? ममल्स कहलाते हैं। ममल्स फीड देयर यंग वंस विद देयर मिल्क। और जो ममल्स होते हैं, ममल्स एनिमल जो होते हैं, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? फीडिंग कराते हैं, मतलब दूध पिलाते हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर बेबी, दे हैव हेयर ऑन देयर बेबी, और उनके जो हेयर होते हैं, जो उनके बाल होते हैं, उसी तरीके से उनके भी, बेबी के भी बाल होते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड, अब जानवरों में जैसे कि बर्ड पक्षी होते हैं, स्नेक सांप्स होते हैं, लिजार्ड छिपकली होती है, एंड इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं, गिव बर्थ जो बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, बाई लेइंग एग्स, पहले अंडे देते हैं, फिर अंडे के ऊपर बैठ के सेते हैं उसको, जानते हैं ना बच्चों। तो द एनिमल, द फीमेल एनिमल लेइंग द एग्स, जो फीमेल होती हैं बर्ड में, इन सभी में, स्नेक है, लिजार्ड है, इंसेक्ट है, बर्ड्स में जो भी फीमेल होती हैं वही अंडे को सेती हैं। द एग्स हैच, फिर अंडे चिटक जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एंड द यंग वंस कम आउट, और फिर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। वेदर द एनिमल इज ए मैमल आर एन एग्स लेइंग एनिमल्स, वेदर या तो फिर एनिमल जो मैमल्स होते हैं और जो एग्स होते हैं, जो अंडे सेते हैं, दे आर टेक केयर, वो सभी जो है टेक केयर, देखभाल करते हैं ऑफ देयर यंग्स, अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं। दे फीड देम व्हेन दे आर हंग्री, और उन्हें खिलाते हैं जब उनके बच्चे भूखे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैमल्स फीड देम विद देयर मिल्क, मैमल्स जो होते हैं, जैसे हमने बताया था हॉर्स, डॉग, काऊ, ये सब जो है मैमल्स और एनिमल होते हैं, तो ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। द मदर बर्ड कैट्स वॉर्म एंड इंसेक्ट, जो बर्ड होती हैं, बर्ड में जो उनकी मदर होती हैं, वो इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को पकड़ती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं। द पेरेंट एनिमल्स आल्सो कीप द यंग वंस वॉर्म बाय कडिंग देम, ठीक, कडलिंग देम, जब जो है उनको ठंडक लगती है तो वो अपने बच्चों को अपने नीचे दबा के वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। बर्ड बिल्ड नेस्ट टू कीप देयर चिक्स सेफ एंड वार्म, बर्ड जो होती हैं, पक्षी जो होते हैं, वो अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, अपने चिक्स को सेफ रखने के लिए क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं सेफ जगह पे। दे आल्सो प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम एनिमीज एंड डेंजर, मतलब खतरों से और दुश्मनों से उन्हें सेफ रखते हैं। यू शुड नेवर ट्राई टू पिक ए पप्पी विथ वेन इट्स मदर इज अराउंड, यू शुड नेवर, मतलब आप कभी भी ट्राई टू पिक नहीं पकड़ सकते हैं ए पप्पी, मतलब एक कुत्ते के बच्चे को, पप्पी को जो है कभी भी नहीं पकड़ सकते हैं, या पकड़ना नहीं चाहिए, या आप कभी नहीं पकड़, आपको नहीं पकड़ना चाहिए। वेन, जब जब जो है उसका, मतलब पप्पी का, की मदर पास में हो। इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस होता है, एज द मदर डॉग माइट बाइट यू टू प्रोटेक्ट इट्स पपीज। देखिए यहाँ पे कहा जाता है बच्चों कि जब कुत्ते का बच्चा, पिल्ला जो होता है, उसको पिल्ला कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं पप्पी, और अगर उसकी माँ उसके साथ में है, तो आपको कभी भी उस पप्पी को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी मम्मा को लगता है कि आप उसके बच्चे को हर्ट कर सकते हैं, चोट दे सकते हैं, तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए आपको बाइट कर सकती, काट सकती है। एडोप्टेशन, एडोप्टेशन मीन्स होता है बच्चों गोद लेना। सम पीपल गिव बर्थ एंड हैव चाइल्ड, कुछ लोग जो है बच्चे को जन्म देते हैं, जिनके पास बच्चे होते हैं। सम ऑफ देम आर नॉट एबल टू गिव बर्थ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। सो इसलिए व्हेन दे वांट टू हैव चिल्ड्रेन, जब वो चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा हो, तो दे टेक सम चिल्ड्रेन, तो वो लोग जो है बच्चे को ले लेते हैं इन टू देयर केयर एंड राइज देम एंड लव देम एज देयर ओन, दिस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। तो जिसके बच्चे नहीं होते,
बच्चों, तो वो क्या करते हैं, इसी से ले लेते हैं, छोटा बच्चा छोटा बेबी ले लेते हैं और फिर उसी को उसकी केयर करते हैं, उसे बड़ा करते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं, वैसे ही उन लोग भी केयर करते हैं। और जो बेबी होता है वो उनको ही मम्मी पापा बोलता है, उसी को क्या कहते हैं, गोद लेना कहते हैं। देयर आर चिल्ड्रेन हु डोंट हैव पेरेंट्स आर रिलेटिव्स टू लुक आफ्टर देम, देयर आर चिल्ड्रेंस। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, आर रिलेटिव संबंधित कोई, मतलब उनका रिश्तेदार नहीं होता उनकी देखभाल के लिए, सो दे लीव। अब यहाँ पे जो गोद लेते हैं बच्चों को, उनके मतलब ना तो मम्मी पापा होते हैं ना उनका कोई केयर करने वाला होता है, तो उनको कोई ना कोई गोद ले लेता है, तो उनको केयर करने वाला भी मिल जाता है और इस तरीके से उनके मम्मी पापा भी उनको मिल जाते हैं। सो दे लिव अंडर द केयर ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ऐसे बच्चों को रखती हैं और जब कोई एडॉप्शन के लिए आता है तो उन्हें दे दिया जाता है। Such children are called orphans and the place where they live is called a orphanage. ठीक, अब यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों कि ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, अनाथ कहा जाता है, अनाथ बच्चे होते हैं और इनको अनाथ आश्रय में रखा जाता है। They need loving parents and a home. और ऐसे बच्चों की क्या ख्वाहिशें होती है कि हमारे भी पेरेंट्स हों, मम्मी पापा हों और हमारा भी अपना एक घर हो जिनमें हम अपने मम्मी पापा के साथ रहें। When a couple adopt a child, जब कोई जोड़ा कोई बच्चे को adopt करता है, गोद लेता है, तो they become foster parents. The adopted child is brought into their family. और फिर कहा जाता है कि मतलब जो आप लेते हैं, गोद लेते हैं, वो बच्चे को खरीद लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, एंड ट्राइज एज देयर ओन चाइल्ड, और अपने बच्चे के जैसे उसकी आप परवरिश करते हैं। एडॉप्टेशन इज ए वेरी काइंड एक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है जो आप गोद लेते हैं बच्चे को, वो बच्चों की परवरिश करना भी एक बहुत बड़ा एक्ट है, किरदार है। दिस वे पीपल गेट द प्लीजर ऑफ राइजिंग ए चाइल्ड एंड द चाइल्ड गेट्स लविंग पेरेंट्स एंड ए गुड लाइफ। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छी परवरिश देते हैं, तो ये एक लविंग पेरेंट्स होते हैं और गुड लाइफ होती है। एक लविंग पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे की अच्छी लाइफ हो जाती है। ठीक, अब आप लोग बच्चों इसको फिल इन द ब्लैंक्स रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर इसके और ट्रू फॉल्स वगैरह पूरे रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे बाय मैसेज, जिसके आपको आंसर देने होंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।